यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को बीजेपी में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद से यूपी का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। कोई कह रहा है अपर्णा बीजेपी से नाराज हैं, महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद उनके कद से छोटा है। कोई दावा कर रहा है कि इस नाराजगी के बाद अपर्णा फिर से सपा में घर वापसी कर सकती। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और रिश्ते में अपर्णा के जेठ अखिलेश यादव ने भले ही इशारों में लेकिन उनका समर्थन किया है। दरअसल शुक्रवार को अखिलेश ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसको अपर्णा यादव की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, 46 में 56 का हास्यास्पद और अपुष्ट दावा करने वाले ऊपर से लेकर नीचे तक सभी प्रमुख पदों पर 100 में से 100 अपने ही लोग बैठाए हुए, क्या वो अपने से इतर औरों को इन पदों के लिए योग्य नहीं समझते हैं? या फिर सिर पर लटकी हुई दिल्ली के तलवार की वजह से किसी को विश्वास योग्य नहीं समझते? भाजपा अंदरूनी अविश्वास का शिकार है। पद स्थापना, कार्रवाई, निर्णय और आदेश का आधार न्याय होना चाहिए, जाति नहीं। अखिलेश के इस पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अखिलेश ने अपर्णा यादव का समर्थन कर दिया है। बता दें कि अपर्णा को योगी सरकार ने महिला आयोग के उपाध्यक्ष का पद दिया है। ये पद मिलने के बाद से उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि वो इस पद से खुश नहीं। इस बीच ये भी दावा किया गया कि अपर्णा ने शिवपाल यादव से मुलाकात की, इसके बाद अपर्णा ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। वो बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात कर अपनी बात रख रही है। वहीं अपर्णा के मामले ने बीजेपी का धर्म संकट बढ़ा दिया है। अपर्णा भले ही बीजेपी में हो लेकिन उन्होंने कभी भी अखिलेश यादव और डिंपल यादव के खिलाफ कुछ नहीं बोला, न ही सैफई परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ सियासी टिप्पणी की, जिस पर ये कहा जा रहा है कि यही उन्हें अब तक बड़ी जिम्मेदारी न मिलने की वजह रही। वहीं अगर दिल्ली में अपर्णा की बात नहीं बनी तो यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले पर अपर्णा ने खुद कुछ नहीं कहा है और उनकी चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े कर रही। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपर्णा यादव की नाराजगी की खबरों ने सपा को नई ताकत भी दी। अपर्णा को बीते दिनों महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सपा नेता अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे सवाल किया गया जिस पर उन्होंने कुछ खास प्रतिक्रिया तो नहीं दी बल्कि बार बार कहने पर बधाई जरूर दे दी थी, लेकिन अब उनके एक पोस्ट ने हलचल और बढ़ा दी है। वहीं सपा के अन्य नेताओं का कहना है कि स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव की बहू के कद के मुताबिक ये पद नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने नाराजगी की बात से इनकार किया था, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी में सेंधमारी की कोशिश कर रही है? क्या चाचा शिवपाल यादव छोटी बहू अपर्णा को समाजवादी पार्टी में लाने में जुटे हैं? अपर्णा का अगला कदम क्या होगा, इस पर अटकलें तेज हो चली, लेकिन सभी को इंतजार अपर्णा की प्रतिक्रिया का है। NBG ऑनलाइन की रिपोर्ट।